भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर दिनांक 15/8/2019 को दीक्षा मांगो कार्यक्रम के द्वारा कमलेश चंद्रा कमेटी की समस्त संस्तुतीय विभाग द्वारा न लागू करने के विरोध में व IPP का कमीशन हटाकर IPP और प्लस DOP दोनों को मिलाकर 8 घंटा ड्यूटी GDS को प्रदान की जाए। परंतु मुझे व्हाट्सअप देख करके बहुत तकलीफ हो रही है कि 15 अगस्त को महामंत्री द्वारा कमलेश चंद्रा कमेटी की सिफारिशों को विभाग द्वारा न लागू किए जाने के विरोध में व IPP की कमीशन हटाकर 8 घंटे न किए जाने के विरोध में दिए गए भिक्षा मांग अभियान के कार्यक्रम के प्रति नकारात्मकता दिखाई जा रही है। ध्यान रहे कि आज इंजीनियर, डॉक्टर्स और बड़े बड़े पैसे में काम करने वाले लोग भिक्षा मांगों के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। महामंत्री जी ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए भारतीय लोकतंत्र का सबसे उच्चतम रास्ता चुना है। अतः आप सभी GDS साथियों से अपील है कि 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से ग्रामीण डाक सेवकों की कोई ना कोई बात करने वाले हैं, उस दिन भिक्षा मांग करके और अपनी फोटो किसी न किसी माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भेज करके अपना कड़ा विरोध दर्ज करा करके भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के इस आंदोलन को सफल बनाएं। 3.25 लाख GDS के हाथ में 13.5 लाख गांव हैं। अगर इस आंदोलन को हम सफल बना लेते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से सोचने को मजबूर कर देते हैं प्रधानमंत्री जी को, और हमारा संघ आपको विश्वास दिलाता है कि 3.25 लाख GDS में से सिर्फ 2 लाख GDS इस कार्यक्रम को सफल कर दे। विश्वास कीजिए, सफलता आपके कदम निश्चित चूमेगी। एक बार साथ देकर कुछ देखिए, आपके साथ में हमारे 3 महारथी, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय संजय सिन्हा जी और हमारे फेडरेशन के महामंत्री महापुरुष संतोष कुमार सिंह जी व संघ के महामंत्री सुगंधी जी, ये तीनों लोग 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। इनके इस आंदोलन के द्वारा स्वयं अपने आप को मजबूत करें। जय हिंद, वंदे मातरम, BPF जिंदाबाद, BMS जिंदाबाद, BED